ज्वालाजी में दिन दिहाड़े एक घर में चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने बड़ी सफाई से घर का ताला तोड़कर यहां अंदर अलमारी में रखे गहनों व 20,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घर के मालिक का कहना है कि तक करीबन 15-20 मिनट में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घर में चोरी की वारदात पेश आने के बाद घर के मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस में की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को लेकर घर के मालिक व आसपास के लोगों के बयान कलमबद्ध किए। बहरहाल पुलिस की इस मामले को लेकर छानबीन जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये चोरी का मामला ज्वालाजी के वार्ड नंबर 2 पुराना बाजार के रहने वाले गिरीश के साथ पेश आया। जब वह अपने नए घर में ताला लगाकर साथ लगते पुराने घर में किसी काम के चलते गया। गिरीश के अनुसार इस बीच 15-20 मिनट बाद जब वापिस नए घर की तरफ देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। गिरीश का कहना है कि जब अंदर जाकर उसने देखा तो घर की अलमारी खुली थी और उनके अंदर रखा हुआ सोने के गहनों का सेट जिसकी कीमत 70,000 के लगभग थी, इसके साथ 20,000 रुपए की नकदी भी गायब है। डीएसपी ज्वालाजी तिलकराज ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही मामले को सुलझा लेगी। मैं गिरीश शर्मा, वार्ड नंबर 2 निवासी ज्वालामुखी। आज मेरे घर में दोपहर करीब 1:30 बजे चोरी हुई है। उससे पहले 1 बजे मैं अपने कमरे में गया था और अब कमरा चेक करके आया। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद मेरी मिसेज उस कमरे में गई तो उसने मेरे को बताया आके कि ऐसे ऐसे कमरे का ताला टूटा हुआ है और कमरे में चोरी हुई है। और तकरीबन मेरा एक हार जिसकी कीमत 70,000 रुपये और नगद कैश 20,000 रुपये मेरा चोरी हुआ है। इसकी तत्कालीन मैंने सूचना पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी में दी और उनको अपने बयान दर्ज करवाए। अब मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इस चोरी को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और चोरों को पकड़ा जाए कि आगे से ये घटना ना हो। पीआईटीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।